तो फ्रेंड्स ये हम आ चुके हैं जबलपुर के बेरा घाट पे। यहाँ पे बोटिंग होती है, तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। और यहाँ पे जो है नर्मदा नदी है, और जहाँ पे सराउंडिंग्स में सारी मार्बल रॉक्स हैं। तो अभी हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम आपको आगे का दिखाते हैं। और दोस्तों हम लोग को थोड़ा लेट हो गया है, और यहाँ पे बताते हैं कि काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे अशोका जानते होंगे आप, जिसमें शाहरुख और करीना कपूर थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो सुंदर नज़ारे, चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स ये हम पहुँच गए हैं घाट पर, और बस अब हम यहाँ से निकलेंगे नौका विहार के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आरती हो रही है नर्मदा माँ की, और हमें पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया है। तो ये लास्ट नाव है जो जाने वाली है, तो बस थोड़ा सा और लेट होते तो शायद हमसे छूट जाता। तो अब हम फटाफट से निकलेंगे, और यहाँ पर जो नौका विहार का चार्ज है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो चार्ज वगैरह हमने बात कर लिया है, और बस अब हम नाव पर सवार होकर निकलते हैं और आपको आगे के खूबसूरत से नज़ारे दिखाते हैं मार्बल रॉक्स के जो सराउंडिंग्स में हैं। ना खुशी ना गम, वीडियो में ये वाइट पत्थर अपने मुंह का भी ले रही हो, हम उसका ले रहे हैं वो आगे रात का नशा अभी। अच्छा यही होगा शायद ना। तो फ्रेंड्स हम लोग ये अपनी बोट में सवार हो चुके हैं, और हमारे अगल बगल ये संगमरमरी चट्टान आप देख सकते हैं, कलरफुल चट्टानें हैं, कहीं ब्लैक कहीं वाइट। और बताया जाता है कि नर्मदा नदी की जो गहराई है कहीं पे 200 फीट से 600 फीट तक की है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं अपने सफ़र में आगे, आप भी देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत चट्टानें हैं रंग बिरंगी। और बताते हैं कि यहाँ पे कि अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं मार्बल्स में, तो आप भी हमारे साथ देखिए वो। और हमारे नाव में हमारे साथ हैं एक यहाँ के लोकल गाइड, जो कि हमें यहाँ के फैक्ट और जानकारी बहुत ही मजाकिया अंदाज में कमेंटेटरी के द्वारा बता रहे हैं। तो आप भी सुनिए उनकी कमेंटेटरी और इन्जॉय करिए सफ़र। मार्बल काली मिट्टी लगने से काला तोड़ेंगे तो भाई, फिर बोलते काला है तो क्या हुआ, गड्ढे की छोड़ेंगे हिंदी प्रचार, फिल्म का नाम प्राण जहाँ पर बचाना जाए। यहाँ पे आए थे सुनीलनाथ प्रेमनाथ रेखा, सुनीलनाथ ने प्रेमनाथ को होगा उठा के फेंका, बदलाते नहाकर बैठी थी रेखा, रेखा की साड़ी कलर देखा पिंक हो गया मार्बल, साड़ी का कलर था कच्चा मार्बल हो गया पक्का, देखने में लग रहा अच्छा छुट्टी में गए रेखा के चर्चा, साड़ी बम्बे में भी कलर निकल गया जबलपुर की होती फट जाती पर कलर नहीं निकल रहा, यही सामने देखा बुल बुलैया बताइए किधर को चलेगी अपनी भैया, मैं चलेंगे राइट फ्यूचर में अभी गाइड, सही बताने वाले को बम्पर राइट साइड लड़के बच्चे लिखते पढ़ते हो जाते थे पास, आजकल के बच्चे का अक्षरा पढ़ते पैसा नहीं पढ़ते, बच्चे लोग मारते निकल नहीं आती कलाकार धर्मेंद्र सब दुलू कंसरा पहाड़ी की दम पे लगाते
लेकिन वो जंप नहीं लगाते, पुतले फेंके जाते। क्या वो जंप लगाएंगे दोबारा पिक्चर में नजर नहीं आएंगे। कोई पलटी से जानते हैं यहाँ की कराई 350 फैट फ्री फाइव जीरो बस पास नहीं है बस पे देखे जीरो वो भी 48 घंटों में डबल जीरो। कोई पलटी अक्सर देखो ऐसे दूसरे मोटर बोतल मोटर तो मेरा लगता है पहले लगते कौन सी वाली साधु मंदिर भेड़ा घाट एक दिन अचानक आ गई बार साधु जी पहुंच गए गंगाबाद जब से छुट्टी पर हैं। आप लोग मानते तो जोड़ा हाथ से आगा दोबारा भोलेनाथ बोलो शंकर भगवान की नर्मदा मैया की पार्वती मैया की करीना मैडम की जय हो। वो भी कहीं उसकी देवी ये तुम्हारे कह रही तुम्हारे अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर है।
ऐसा लगता है किसी ने छोटा बड़ा मूर्ति काट कर दिया हो। नेत्र संजरा हुआ जनता आज इसको देखना, कभी चांदनी रात में कैमरा हाथ में फैमिली साथ में, जिसकी फैमिली ना हो साथ में तब पूरी बोतल लाना हाथ में, वो भी चलती रात में। बैग बनाना लंबा, गाना गाना छम्मा छम्मा, आज के बाद नाती बकरी छम्मा। साइड के बाल में देखो काला काला स्टेचू, हाथ पैर सिर काल भैरव उज्जैन वाले रहता, उज्जैन में बड़ा भाई भेड़ा घाट में छोटा भाई चार सौ पचास से नदी में लड़ा भाई, उज्जैन वाला बलुआ पीता एक हाथ में नारियल बांधी पीता है दोनों भाई। और दोस्तों सामने वो चट्टान में ऊपर खड़ा है लड़का जो 50 रुपए में ऊपर से छलांग लगाएगा, जो कि बहुत ही रिस्की है। कितनी गहराई होगी इसकी? 600 फुट है। 600 फीट वापस ये गहराई रिटर्न हुआ रिटर्न अब कर रहे हैं ना साफ कर लिया वहाँ भाई कर लो भैया कर लो। अब यहाँ से हमारी बोट वापस मोड़ रही है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चलना, और अंधेरा भी बहुत हो गया है तो अब हम पहुँचते हैं जल्दी से। और ये कितने का? ये 50 का 20 का है, बड़ा डबल है। ये 50 का है छोटा वाला। ये 20 का है मार्बल जो डस्ट निकला उसका बनता है। अच्छा अच्छा। और ये वो प्लास्टिक है, ये देखिए मार्बल का जुड़ा स्टिक है। नहीं ये तो मेरे नहीं लगती है, नहीं किसी देने ने के लिए चाहिए तो क्लिप्स वगैरह है। ये माला है? हाँ मार्बल की है। ये देखिए स्टोन वगैरह नहीं तो, और ये मार्बल में। ये कितने का है? 350। ये मार्केट में बहुत कॉस्टली है। ये वाले 140। ये आप ले जाइए बहुत चलिए वो है मेरे पास। ये महंगा बता रहे हो, ये कुछ कम हो जाएगा। कितने का दोगे? और ये बोटिंग करने के बाद
ये भेड़ा घाट पर ही हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और अर्पिता जी ने ये हमारे लिए महाकाल का ब्रेसलेट लिया है। तो शॉपिंग करने के बाद दोस्तों हम निकल रहे हैं, सामने पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है। अब ये भेड़ा घाट से हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए, फिर मिलते हैं आपसे नए सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग।